क्या आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, नो सिम कार्ड इंस्टॉल्ड इस तरीके से, यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड है वो शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है नो सिम इमरजेंसी कॉल ओनली, और यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ रहा है। आपके फ़ोन के अंदर चाहे एयरटेल की सिम पड़ी हुई है, चाहे जियो की सिम पड़ी है, चाहे VSNL वी किसी की भी पड़ी है, ठीक है, और उसमें आपको इस तरीके से क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है नो सिम इमरजेंसी कॉल ओनली। तो इससे आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ खींचना है इस टाइप से, और यहाँ पे आपको देखेगा एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है, और थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस टाइप से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसी टाइप से करना है, ठीक। उसके बाद आप अपने फ़ोन का जो पॉप स्विच ऑफ वाला बटन है उसे दबाने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एरोप्लेन मोड दबाना है, फ़ोन का स्विच ऑफ वाला बटन है उसे आपको दबा के रखना है इस टाइप से, और यहाँ से आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, चलिए मैं स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको 5 मिनट तक आपको अपने फ़ोन में कुछ भी नहीं करना है, ऐसा ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप अपने फ़ोन को खोलेंगे, चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 5 मिनट वेट कर लिया हूँ, अब मैं पावर बटन को दबाता हूँ। पावर बटन को मैं जब मैं दबाऊँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, आपका फ़ोन कोई भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नो सिम या फिर इमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, तो उसे आप कैसे हटाएंगे, ठीक है, कैसे नेटवर्क लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन फाइनली ऑन हो गया है। अब मैं इसे खोलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन मोड लगा हुआ, उसे आपको हटा देना है। हटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी हमारी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। फिर मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर, जैसे मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको चेक करना है कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, या फिर मोबाइल नेटवर्क का, या फिर सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जो सिम है नो सिम कार्ड नो सिम कार्ड दे रहा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में एक ही सिम हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो सिम है दो हो सकती हैं, तो यहाँ से बंद हो गई होंगी, उन्हें आप चालू कर सकते हैं। देखो बंद नहीं है, चालू है, फिर भी इसी टाइप से आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से जो सिम कार्ड है वो बाहर निकालनी है, चलिए मैं निकालता हूँ। सिम मैंने बाहर निकाल ली है, अब मैं इसे थोड़ा साफ़ करता हूँ, साफ़ करके यहाँ पे मैं लगाता हूँ इस टाइप से। आपको फर्स्ट स्लॉट में लगानी है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें डाल देता हूँ। अब चेक करता हूँ, अभी भी क्रॉस आ रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क तो आने लगा है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल भी हट गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ देख सकते हैं मेरे भी नेटवर्क आना स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया है। अब मैं दिखाता हूँ सेटिंग में जाके, यहाँ पे सिम कार्ड मोबाइल डाटा में जाके, ये देख सकते हैं हमारी जो जियो की सिम है वो चालू हो गई है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे बंद थी, यहाँ पे आपको ऑन कर लेनी है, चालू हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। देखो आपकी फिर भी यहाँ पे चालू नहीं हो रही है, तो आपको अपने दूसरे फ़ोन में डालनी है, दूसरे फ़ोन में वर्क कर रही है, तो आपके फ़ोन में जो मैंने आपको सेटिंग बताई है वो आपको कर लेनी होगी, एक सेटिंग जरूर करनी होगी। आप अपने फ़ोन की सेटिंग के सर्च बार में डालेंगे रीसेट सिस्टम सेटिंग या फिर रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है, और वहाँ पे आपको रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ से आपको इसे रीसेट कर देना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो फिर भी वर्क नहीं कर रही है सिम कार्ड, दूसरे फ़ोन में डाल के देखिए उसमें वर्क कर रही है, इसमें नहीं कर रही है, तो ये कीजिए, अगर उसमें भी वर्क नहीं कर रही है तो आपका सिम कार्ड है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपको अपने किसी न किसी सेंटर जाके जिस भी कंपनी का सिम है वो आप वहाँ से चेंज करवा लीजिए, यानी कि वो दूसरा दे देंगे चालू करके, ठीक है। उसी नंबर से आपका रिचार्ज है वो चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो सिम जो आपकी ख़राब हो गई है उसमें नंबर होंगे, नंबर आपको दूसरे सिम में ट्रांसफ़र कर ले होंगे, ठीक है। जय हिंद।